students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 4, shapes. In previous video, we have done exercise 4.2. In today's video, I am going to explain exercise 4.3. बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज में जो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की नीड है वो एक्सप्लेन करूंगी. जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है वो शेप्स के ऊपर है, ठीक है, सॉलिड शेप्स. तो सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं? विच ऑक्यूपाई स्पेस, मींस जो स्पेस कवर अप करती हैं उनको हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं. और ये थ्री डायमेंशनल होती हैं, ठीक है. लाइक हमारे पास सॉलिड शेप्स कौन कौन सी हैं, उनके कुछ के मैंने फिगर्स बना रखे हैं और सामने उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट है हमारे पास क्यूब, ठीक है. क्यूब की शेप में अगर हम देखें तो बेटे आपने अपने घर में देखा होगा जो आपका लूडो का डाइस होता है, सबने देखा है ना, सब लूडो खेलते हैं. तो जो आपका लूडो का डाइस होता है वो इस क्यूब की शेप में होता है, ठीक है. इक्वल, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड. सो जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है, ठीक है. और क्यूबॉइड से आप घर में कौन सी चीज देख सकते हैं, लाइक आपके जो शू के बॉक्सेस होते हैं वो आपके रेक्टेंगल वाली शेप में होते हैं, उनको हम कौन सी शेप कहते हैं, क्यूबॉइड की शेप, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास स्फेयर, ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास कोन. सो कोन तो सबको ही पता होगा, सबकी फेवरेट चीज है जो वो गर्मियों में खाते हैं, समर सीजन में खाते हैं ना, क्या खाते हैं, आइसक्रीम. सो आइसक्रीम में जो आपका कोन होता है वो इसी शेप का होता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर. तो सिलेंडर की शेप में आप देखते हो जो आपकी वाटर बॉटल होती है वो भी सिलेंडर की शेप में होती है, ठीक है. ऊपर से राउंड होती है और नीचे से, और बीच में उसके फ्लैट होते हैं, ठीक है. सो अब हम इनके बारे में फेसेस, इनके कर्व्ड और फ्लैट सरफेस कितने होते हैं, एजेस और वर्टिसेस पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजेस और वर्टिसेस में डिफरेंस क्या होता है, मींस ये किसका नाम है. देखिए हमने क्यूब बनाया लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अवर क्यूब. इसमें जो इसके सामने ये चीज आपको दिख रही है ये इसके फेसेस हैं, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस. हमारे पास एजेस कौन सी आती हैं बेटे, दिस इज अवर एज. जहां पर दो एजेस मिलती हैं वहां पर आपका उनका मीटिंग पॉइंट जो होता है उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं. सिंगल को वर्टेक्स बोलते हैं. जब ये काफी सारे आ जाएंगे, देखिए ये वर्टेक्स है, ये भी है, ये भी है, तो तब ये क्या प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा, वर्टिसेस, ठीक है. तो जहां पर आपकी टू एजेस, ऐसे टू एजेस मीट करती हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में उसको वर्टिसेस लिखा जाता है, ठीक है. सो सबसे पहले हमारे क्यूब में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं. आप डाइस को काउंट भी कीजिएगा, उसमें आपने नंबरिंग देखी होगी, सिक्स लिखी होती है ना, सिक्स नंबर अलग अलग लिखे होते हैं, तो इट मीन उसके सिक्स फेसेस होते हैं. और कर्व्ड और फ्लैट, जो आपका क्यूब है वो फ्लैट होता है. नेक्स्ट एजेस, जो इसकी ये एजेस हैं, जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये सारे इसकी एजेस हैं, ये कितनी होती हैं, 12. और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 वर्टिसेस, ठीक है. नेक्स्ट क्यूबॉइड. क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होता है, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, क्योंकि दोनों की सिर्फ शेप में ही डिफरेंस है बेटे, बाकी सब सेम है. क्यूबॉइड में भी सिक्स फेसेस होते हैं हमारे पास, फ्लैट होता है वो, एजेस 12 होती हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं. जो हमारे पास स्फेयर होता है उसमें फेस वन ही होता है क्योंकि वो पूरा राउंड बना है ना आपके पास, ठीक है. नेक्स्ट, अब उसका सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा. हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं, एक तो फ्लैट और नेक्स्ट होता है कर्व्ड, ठीक है. सो फ्लैट मींस जो प्लेन होता है आपका सरफेस, लाइक आपका टेबल का, बुक का, ये सारे फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है. और कर्व्ड सरफेस आपका किसका हो सकता है, बॉल का, ठीक है, क्रिकेट बॉल. सो कर्व्ड मींस जो थोड़ा राउंड शेप में आ जाता है, ठीक है. और एजेस, एजेस तो इसमें होती नहीं, देखिए कहीं पर एज दिख रही है आपको, नहीं है. नेक्स्ट वर्टिसेस, भी कोई वर्टिसेस नहीं बन रहा, जब एज ही नहीं है
तो वट डिस्टेंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोन, कोन में हमारे पास टू फेस होते हैं, नेक्स्ट वन कर्व्ड होता है और वन फ्लैट होता है, ये ठीक है। नेक्स्ट एच इसमें वन ही होती है हमारे पास और वर्टिसेस भी वन होता है, ये हमारे पास वन वर्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट सिलेंडर, इसके थ्री फेसेस होते हैं हमारे पास, वन टू और ये, ठीक है। टू फ्लैट होते हैं, ये आपके फ्लैट फेसेस है, वन कर्व्ड और ये वाला आपका कर्व्ड फेस है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट एजेस इसमें टू होती है हमारे पास और वर्टिसेस हमारे पास इसमें कोई भी नहीं होता है क्योंकि एजेस मीट नहीं करती हैं, तो वर्टिसेस नहीं होता है। ये जो टेबल है बेटे, ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी गिवन है, आपको इस टेबल को लर्न करना है। मीन्स लाइक अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं या कितनी एजेस होती हैं, तो आपको ये टेबल भी लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर वन। सो योर क्वेश्चन नंबर वन इज टिक द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। बेटे आपके पास क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे रखे हैं प्लेन एंड कर्व्ड का, हमें दोनों में से जो सही ऑप्शन लग रहा है उसके ऊपर टिक करना है। सो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेन और कर्व्ड सरफेस क्या होता है। जो प्लेन सरफेस होता है उसमें आपको एग्जांपल्स दी थी मैंने, लाइक आपका बुक है, टेबल है, उनको जब आप टच करते हो तो वो प्लेन सरफेस होता है। और कर्व सरफेस हमारे पास कौन सा होता है, जो राउंड की शेप में होता है, लाइक आपकी क्रिकेट बॉल हो गई, बास्केट बॉल हो गई, ये सारे कर्व सरफेस में, ऑरेंज, ठीक है। सो आपके पास ए पार्ट है द ऑरेंज हैज अ प्लेन और कर्व सरफेस। जो ऑरेंज है हमारे पास उसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है या कर्व्ड होता है। तो अगर हम ऑरेंज की शेप देखें तो हमें पता चलता है वो राउंड शेप में आता है, सो इट मींस उसका सरफेस कैसा होगा, कर्व। तो कर्व्ड के ऊपर आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट द बास्केटबॉल हैज अ प्लेन और कर्व्ड सरफेस। जो बास्केटबॉल होती है हमारे पास, अगेन बॉल हमारे पास हमेशा कर्व्ड शेप में आती है, सो हमारे पास जो बास्केटबॉल होगा उसका सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस होगा, तो हम कर्व्ड के ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास द इरेजर हैज अ प्लेन और कर्व्ड सरफेस। आप सब इसको चेक भी कर सकते हैं, आप सबके पास इरेजर है ना, सो इरेजर में अगर आप देखें और टच करें तो वो इरेजर का सरफेस कैसा होता है, प्लेन नजर आता है ना हमें, टच करने से भी वो प्लेन होता है। सो हमारी जो इरेजर है उसका सरफेस कौन सा होगा, प्लेन सरफेस, तो हम प्लेन के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। Still, if you have any query, you can contact me. Thank you.